आज पौष पूर्णिमा है और प्रयागराज कुंभ के इस दूसरे महास्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुंभ मेले में पहुंच चुके हैं और यहां वो संगम में स्नान कर रहे हैं। सुबह से ही पौष पूर्णिमा को मोक्षदायिनी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के पहले शाही स्नान के बाद और मौनी अमावस्या के दूसरे शाही स्नान के बीच आज पौष पूर्णिमा का महास्नान है और जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है संगम में स्नान और दान करने के बाद आज भगवान सत्यनारायण की उपासना की जाती है। हालांकि 15 जनवरी से महा संक्रांति के पहले शाही स्नान के साथ ही कुंभ की शुरुआत हो चुकी है लेकिन आज के स्नान के साथ कुंभ की औपचारिक शुरुआत होती है। कुंभ में एक महीने तक निवास करने वाले श्रद्धालु आज के स्नान के साथ ही कल्पवास की शुरुआत भी करते हैं और जिसका समापन फिर माघी पूर्णिमा के साथ होता है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता कविता हमारे साथ जुड़ी हुई है कुंभ क्षेत्र से, रुख उनका कर लेते हैं। कविता, सुबह की तस्वीरें भी आपने दिखाई थी, अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वहां पर श्रद्धालुओं का पहुंचना भी और ज्यादा बढ़ रहा होगा। बिल्कुल शिरीन, देखिए जैसे जैसे दिन चल रहा है और संगम तट की भी बात करें तो खूबसूरत दृश्य है यहाँ पर। खासतौर से आपको पहले तो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी संगम तट की। सबसे ज्यादा खूबसूरती इन साइबेरियन बर्ड्स की वजह से भी संगम तट पर देखी जा सकती है। नौकाएं आपको दिख रही होंगी, लगातार NDRF की टीम जो है संगम तट पर गश्त लगा रही है सुबह से ही और धीरे धीरे जो है तट पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक आज कहा जा रहा है जो कि कल्पवास आज से शुरू होगा, जो कल्पवासी हैं और इसी के साथ आम लोग तकरीबन 1 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो आज संगम तट पर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा सकते हैं और सुबह 3-4 बजे से लोग लगातार पैदल चल चलकर संगम तट पर पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि धर्म आस्था के संगम में सबसे अहम जो लोग लगातार कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि व्यवस्था इतनी बेहतर है कि उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी हो नहीं रही और इसी तरीके से जिस तरीके लगातार जो यूपी सरकार कह रही है कि हम दिव्य और भव्य कुंभ कर रहे हैं उसकी सफलता इसी बात पर है कि जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं वो इसकी सराहना कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें मैं भी दिखाने की कोशिश करूंगी, पुलिस बल जो है चप्पे चप्पे पर, खासतौर से जहां संगम है वहां पर पुलिस बल तैनात है, लगातार गश्त लगा रहा है यहां पर कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और लोगों को सहूलियत हो, ये इसका सबसे बड़ा मकसद है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है लगातार घाट पर लोगों की भीड़ में बताऊं शिरीन बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर बढ़ती जा रही है लेकिन बद इंतजामी कम होने की वजह से और व्यवस्था ज्यादा अच्छी होने की वजह से ज्यादा लोग जो है त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा पा रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका कविता।